हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग सभी तो मैं यूनोस आप सभी का वेलकम करता हूं रैंकर्स मंत्रा चैनल पर तो देखो अपनी एक फिज़िक्स की सीरीज चल रही है जहां पर अपन जो नीट 2024 25 के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स जो टारगेट है या फिर जो फाउंडेशन जो कर रहे हैं तो उन सभी के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है यहाँ पर अपन जहाँ पर मतलब चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज़ जो क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं तो देखो अभी तक जो अपन है ना और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से क्वेश्चन को अपन इजी फॉर्मूले और इजी ट्रिक के साथ इजी अप्रोच के साथ हम कर सकते हैं कम टाइम के अंदर उस तरीके से हमको क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहे हैं ओके तो देखो अब तक इस सीरीज के अंदर हम पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड अपन डिस्कस कर चुके हैं ओके और पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड के अंदर अपने जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमने अब तक डिस्कस किए हैं वो फिफ्टी तक हम डिस्कस कर चुके हैं ना फर्स्ट लेक्चर में ट्वेंटी फोर तक डिस्कस किया थे अगर नहीं देखे हो तो आप जरूर चेकआउट चेक करना देखना और ट्वेंटी फोर के बाद में इसके बाद में जो सेकेंड पार्ट था उसके अंदर ट्वेंटी फोर से लेकर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किए वो अप टू फिफ्टी सिक्स तक किए थे सॉरी फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर चुके हैं नेक्स्ट आज का जो लेक्चर नंबर थर्ड है इस लेक्चर नंबर थर्ड के अंदर अपन डिस्कस करने जा रहे हैं जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको हम कवर करेंगे ओके तो वीडियो के एंड तक बने रहना यकीनन बहुत कुछ सीख कर आप जाने वाले हो चलो तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन के साथ तो देखो कह रहा है कि केपलर सेकेंड लॉ इज कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ तो किसका कॉन्सिक्वेंस है तो याद रखेगा केप्लर लॉ से हम ये चीज प्रूव करते हैं कि किस तरीके से जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है ओके एंगुलर मोमेंटम का आपको फॉर्मूला याद रखना अगर अपन को ध्यान रखना है कि एम ओमेगा आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है ओके वेलोसिटी के टर्म में अपन बात टें तो एम वी आर होता है तो याद रखिएगा दोनों क्या होते हैं मतलब एंगुलर मोमेंटम जो रहता है कंजर्व रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन इन एडजॉइंग फिगर अर्थ गोज अराउंड द सन इलेप्टिकल ऑर्बिट ऑन विच पॉइंट द ऑर्बिटल स्पीड इज मैक्सिमम किस पॉइंट पे मैक्सिमम स्पीड रहेगी तो देखो यहां पर हमको ध्यान रखना एक लेसन होता है कि भाई वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू आर वन अपर अपॉन आर वन होता है ओके इट मीनस ये होता है कि जो वेलोसिटी होती है और वो जो डिस्टेंस होती है उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है जहां डिस्टेंस कम होगी वहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा होगी ये भी इसी से है एंगुलर मोमेंटम वाले लॉ से इसको हमने फाइंड किया एम वी आर वाले से तो यहाँ पर देखो रेडियस कहाँ पर कम है तो आप देखते हैं जो डिस्टेंस है वो ए पर कम है इट मीनस जो ए पर है वहाँ पर जो इसकी स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी मैक्सिमम रहेगी नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन टी स्क्वायर एंड आर फॉर ए प्लेनेट देन इट्स स्लोप विल बी स्लोप इसका क्या बताता है देखो आपको देखो ध्यान होना चाहिए जो टी स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मतलब डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट उसके क्यूब के अब जैसे प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे तो एक कॉन्स्टेंट यूज करोगे

तो इक्वेशन ये होती है कि वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये ध्यान रखना है ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है जहां पर एम स्लोप को बताता है ये वाई एक्सेस की वैल्यू को ये एक्स एक्सेस की वैल्यू को ये वाई इंटरसेप्ट को बताता है तो अब देखो इस इक्वेशन को रिलेट करो वाई की जगह यहाँ प्लेस किया जा रहा है टी स्क्वायर को और एक्स की जगह प्लेस किया जा रहा है आर क्यूब को सी की जगह यहाँ पर वैल्यू जीरो है तो इसके इसमें जो एम यानी कि जो स्लोप है वो स्लोप कौन बता रहा है फोर पाई स्क्वायर कौन कैपिटल जी एम होगा इट मीन यहाँ फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा

जो डिस्टेंस होती है यानी कि जो आर होती है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रपोशन होता है अब ये आर क्या होता है देखो तो सन के केस में क्या होता है जो भी प्लेनेट होते हैं वो लेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं लेप्टिकल ऑर्बिट का मतलब ये हो गया कि भाई वो कभी डिस्टेंस कम होती है कभी डिस्टेंस ज्यादा होती है तो इस केस में अपन ये आर क्या लें तो एक्चुअल में जो आर की जो वैल्यू होती है ना वो मीन वैल्यू होती है अब मीन वैल्यू कैसे निकाल सकते हो तो वो होती है आर वन यानी कि मिनिमम डिस्टेंस एंड मैक्सिमम डिस्टेंस उन दोनों का हमको क्या लेना होता है मीन लेना होता है और उसका अपन स्क्वायर करेंगे उसका क्यूब करेंगे इसके डायरेक्टली प्रपोशन होकर अब टू हो चुकी कॉन्स्टेंट है तो आप इसको नहीं भी लिखो तो भी अंडरस्टूड है अब यहाँ से आप स्क्वायर को यहाँ से हटाओगे तो इस साइड क्या बन के आएगा क्यूब के आएगा मतलब स्क्वायर हटाओगे तो रूट बन के आएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा का क्यूब रूट बन जाएगा ऊपर है ना तो इट मीन्स में पावर थ्री बाई टू बन जाएगा तो इट मीन्स जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन द अर्थ अराउंड द सन इन वन ईयर इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स डबल द न्यू टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन विल बी तो देखो न्यू टाइम पीरियड पूछा है तो जब भी, जब भी ऐसे टू केसेस दे रहे हो फर्स्ट केस और सेम के मतलब सेम कंडीशन में दूसरा केस बनाया जाए तो उस केस में अपन डायरेक्ट रेशियो से इसको सोल्व करते हैं तो अपन जानते हैं कि जो टी का जो स्क्वायर है वो आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इटमें से हम ये कह सकते हैं कि टी वन स्क्वायर अपॉन टी टू स्क्वायर इज इक्वल टू तो आर वन का क्यूब अपॉन में आर टू का क्यूब अब वैल्यू हमको क्या क्या गिवन है अगर ये कह रहा है कि दे श्कौर दे श्कौर दे श्कौर दे श्कौर द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन वन ईयर तो मान लिया कि जो T2 है वो सन के लिए है मतलब अर्थ के लिए यहाँ पर तो और इफ डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स डबल द न्यू टाइम पीरियड ऑफ द विल बी तो ये कहा जा रहा है कि अगर पहले टाइम पीरियड कितना है देखो तो वो टी वन अपन को निकालना है कह रहा जा रहा है कि अगर पहले जो टाइम पीरियड था वो वन ईयर का था ऐसा करते अपन वन ईयर कर लेते हैं यहाँ पे ये कब था जब डिस्टेंस कितनी थी अर्थ की जो रेडियस थी वो कितनी थी आर थी तब हमारे पास में टाइम पीरियड कितना था वन था समझने की कोशिश करो डिस्टेंस का क्यूब जब डिस्टेंस आर थी रेडियस आर थी ना ना द डिस्टेंस बिटवीन जब डिस्टेंस आर थी तब उस केस में कितना टाइम ले रहा था वन ईयर ले रहा था अब ये कह रहा है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स डबल डिस्टेंस को मैं डबल कर देता हूँ यानी कि टू आर कर देता हूँ तो इस केस में अब टाइम पीरियड कितना होगा तो अब ये टी वन हमको फाइंड करना है तो इसको कैसे करेंगे अपन देखो आर क्यूब से ये आर क्यूब का कैंसिल आउट हो जाएगा टू का क्यूब करोगे तो क्या बन के आएगा एट बन के आएगा अब एट से अपन यहाँ से स्क्वायर आएंगे तो इधर क्या बन के आएगा रूट बन के आएगा

जो अर्थ को जो टाइम लग रहा मान लिया कि वन ईयर लग रहा तो वन का स्क्वायर किया मार्स को कितना लग रहा है वो टी लग रहा तो उसका टी स्क्वायर किया अब अर्थ की रेडियस अगर अर्थ की जो डिस्टेंस में अगर आर क्यूब मानता हूँ तो मार्स की कितनी हो जाएगी वन पॉइंट फाइव आर तो वन पॉइंट फाइव आर का क्यूब आर क्यूब से आर कैंसिल आउट हो जाएगा अब वन पॉइंट फाइव का क्यूब करना ये वन ही जाएगा स्क्वायर अटाउ तो इधर क्या बनेगा स्क्वायर अटाउ तो इधर क्या बन जाएगा क्यूब रूट बन जाएगा मतलब मतलब थ्री बाय पावर थ्री बाय टू बन जाएगा अब पावर थ्री बाई टू को मैं क्या लिख सकता हूँ वन पॉइंट फाइव इंटू रूट वन पॉइंट फाइव अब वन पॉइंट फाइव को अपन इसका अगर सोल्व करेंगे ना तो ये अप्रोक्स लगभग मतलब जीरो पॉइंट देखो वन पॉइंट फाइव है इट से ये आएगा अगर मैं डेसिमल भी हटाता हूँ इसको इस तरीके से कर लो देखो इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि इधर से डेसिमल हटाए तो अपॉन में टेन ना फिफ्टीन का रूट पता ना टेन का रूड पता एक काम करो ऊपर भी जीरो लगा दो नीचे भी जीरो लगा दो तो नीचे तो हमको पता है कि नीचे कितना बन जाएगा हंड्रेड बनेगा उसका टेन बार आ जाएगा ऊपर वन फिफ्टी वन फिफ्टी नियरली लगभग ट्वेल्व के आसपास होता है ना वन फोर्टी फोर ट्वेल्व के आसपास होते हैं तो कुछ नहीं अब ट्वेल्व को वन पॉइंट फाइव ये जीरो हटाओगे तो ऊपर बनेगा जीरो पॉइंट वन फाइव है ना तो एक काम करते हैं इसको मैं सही से लिखता हूँ वापिस तो इसको सोल्व करोगे जीरो पॉइंट वन फाइव इंटू में ट्वेल्व बन जाएगा तो ये मल्टीप्लाई करोगे ट्वेल्व फाइव या ट्वेल्व फाइव या सिक्सटी ट्वेल्व जै वन सिक्सटीन एटीन ये लगभग मतलब

जो वेलोसिटी होती है पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है और जो नियरेस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके डिस्टेंस के यानी कि वी एफ कहाँ होगा अगर जहां पर, हो पर वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यानी पर जो आर होगा वो नियरेस्ट होगा और वेलोसिटी जो नियरेस्ट होगी वो पर जहां पर जो पोजिशन होगी वो फार्देस्ट होगी है ना उल्टा होता है वी एफ आर एफ दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल तो अब देखो की वैल्यू कितनी है तो वी एफ की वैल्यू यहाँ पर अपन प्लेस करेंगे अच्छा वी एफ हमको निकालना फार्देस्ट पॉइंट पर हमको वेलोसिटी निकालनी है नियरेस्ट हमको दे रखी है तो वी एफ इज इक्वल टू वी एन की जगह अपन वैल्यू लिखेंगे तो वी एन नियरेस्ट पर वैल्यू दे रखिए सिक्सटी आर एन नियरेस्ट वैल्यू कितनी नियरेस्ट कौन सी होगी नियरेस्ट तो ये होगी जो कम वैल्यू की वही नियरेस्ट होगी यानी वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर ट्वेल्व वाई फार्देस्ट जो पॉइंट रहेगा वो एट इंटू टेन टू द पावर ट्वेल्व ये कैंसिल आउट हो जाएगा डेसिमिल आटा हो गया तो ये जीरो एट्टी

बाइंडिंग uh, एनर्जी कहते हैं अब देखो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकाल सकते हो तो पहले देखो एनर्जी कितनी चाहिए होती है तो ये ध्यान रखो कि कोई भी जो सेटेलाइट uh, होता है उसके जो uh, जो उसको बाइंड करने के लिए जो एनर्जी होती है मतलब उसको उसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी कितनी होती है तो टोटल एनर्जी आपको याद होना चाहिए नेगेटिव होती है कैपिटल जी दोनों का मास यानी कि मास ऑफ द अर्थ एंड मास ऑफ दी मून होगा और अपॉन में क्या आएगा यहाँ पर uh, जो डिस्टेंस है उसका टू टाइम्स होगा यानी आर टू और बीच की डिस्टेंस कितनी है बीच की डिस्टेंस है ये अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस है तो ये टोटल एनर्जी है ये नेगेटिव एनर्जी क्या कर रखी होती है उसको बाइंड करके रखती होती है जो सेटेलाइट होता है उसके साथ बंदी भी रखती है अब लेकिन जैसे ही अपन चाहते हैं कि इससे अलग हो जाए तो अलग होने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी ना वही क्या होगी बाइंडिंग एनर्जी होगी अब बाइंडिंग एनर्जी अब नेगेटिव है तो अगर इसको अपन को जीरो करना है देखो अलग हो तब होगा जब उसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी पॉजिटिव जीरो होगी कोई भी सैटेलाइट कोई भी मोन

तो देखो इसके लिए अपन क्या करते हैं रिलेशन क्या इसको फाइंड कैसे करते हैं अपना तो देखो जो वेलोसिटी होती है जो वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं हमको ध्यान होना चाहिए हम ये फॉर्मुला यूज करते हैं कि उसके फोर्स को अपन मतलब जो फोर्स होता है यानी कि जो एम वी स्क्वायर अपॉन मतलब ऐसे या तो डायरेक्ट याद हो यहाँ पे देखो वी नॉट का जो फॉर्मुला बन के आता है ना वो आता है कैपिटल जी कैपिटल एम अंडर रूट में आता है ना अंडर द रूट आता है आर

और दूसरे प्लेनर की कितनी दे रखी है आर भी दे रखी है तो इनके सेंटर से भी तो डिस्टेंस होगी ना आर्थ के सेंटर से डिस्टेंस होगी दोनों की आर आर डिस्टेंस होगी तो टोटल डिस्टेंस आर प्लस आर ए तो अगर वी ए के लिए निकालना चाहता हूँ तो देखो इन्वर्सली प्रोपोर्स है ना तो इनवर्सली यानी वी वाली के लिए टर्म ऊपर आएगी ए वाली टर्म नीचे आएगी तो ऊपर क्या बन के आएगा आर प्लस आर बी और रूट है तो पावर हाफ आएगा और नीचे क्या जाएगा आर प्लस आर ए और पावर में क्या जाएगा हाफ आ जाएगा इस तरीके से तो इसका मतलब कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाली टर्म ऊपर आएगी ए वाली टर्म नीचे आएगी और पावर इसकी क्या आएगी हाफ आएगी तो हाफ इट मीन फर्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन द एवरेज रेडिया एंड अर्थ अराउंड है यही फॉर्मूला निकालना लगाना अपन को कि अगर मुझे किसकी निकालनी है पहले पहले अगर मुझे मर्करी की निकालनी है यानी वी एम अपॉन में वी अर्थ निकालना है तो ऊपर आ जाएगा अर्थ की डिस्टेंस आ जाएगी तो अर्थ की डिस्टेंस कितनी है वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पावर एट है और अपॉन में क्या इसकी पावर हाफ भी लेना ये भी ध्यान रखना और अपॉन में क्या आएगा सिक्स इंटू टेन टू द पावर सेवन और पावर इसकी भी आएगी हाफ ये डेसिमल हटा दो तो यहाँ पर नीचे जीरो आ जाएगा तो अब ये जीरो इस जीरो को यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा टेन की पावर सेवन ऑलरेडी है तो टेन की पावर एट बन जाएगा अब टेन की पावर एट टेन की पावर एट कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसको डिवाइड करो थ्री टू जिक्स थ्री फाइव जै फिफ्टीन तो इट मीनस जो रेशियो बन के आएगा वो फाइव में टू बन के आएगा पर वो किस में के आएगा रूट रूट फाइव और रूट टू तो इट मीन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऑर्डनरी सेटेलाइट आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन सेम ऑलिप्टल ऑर्बिट देन विच ऑफ द फॉलोविंग क्वान्टिटीज इज कंजर्व तो ध्यान रखो वेलोसिटी चेंज होती है पास आएगा तो ज़्यादा होती है दूर होता है तो कम होती है ये कैंसिल एंगुलर वेलोसिटी वो भी क्या होती है चेंज होती है ठीक है क्योंकि वी चेंज हो रहा था चेंज हो रही होगी और ये कैंसिल ये ध्यान रखिएगा प्रोजेक्टाइल आफ्टर डेविएटिंग फ्रॉम इट्स पाथ स्टार्ट मूविंग राउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट और अर्थ देन इट्स टाइम पीरियड विल बी तो मतलब ये कह रहा है कि एक कोई प्रोजेक्टाइल है जो अर्थ से नाइन टाइम्स डिस्टेंस पर मतलब अर्थ की रेडियस से नाइन टाइम्स पर वो क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड निकालना है तो देखो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है अपन जानते हैं कि जो टी होता है मतलब जो टी होता है उसका फॉर्मूला होता है, G, है न, का। देखो जो इसका टी स्क्वायर का जो फॉर्मूला मतलब जो टी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर पाई स्क्वायर मतलब फोर पाई स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर और यहाँ पर आता है हमारे पास में अपॉन में आता है कैपिटल जी कैपिटल एम और यहाँ पर साथ में आता है कि जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस का क्यूब आता है तो डिस्टेंस यहाँ पर कितनी है तो मूविंग राउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इक्वल टू नाइन टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ यानी कि अर्थ की रेडियस के नाइन टाइम्स होता है तो नाइन टाइम्स नाइन टाइम्स और इसकी पावर भी कितनी होगी थ्री होगी ये भी हमको ध्यान रखना है अब है, इसे क्या करना है हमें सोल्व करना है तो देखो इसको अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं तो यहां से आप क्या करोगे इसका स्क्वायर टाओगे तो स्क्वायर टाओगे तो देखो ये बनेगा टू ये स्क्वायर कैंसिल आउट और नीचे बन के आएगा जी जी एम एक मिनट तो एक इसको थोड़ा तो तो और इजी करते हैं तो एक काम करते हैं यहाँ क्यूब है ना तो यहाँ से एक आर स्क्वायर को नीचे लेकर चले जाओ तो ये क्या बन के आएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर नीचे इसको आप क्या लिख सकते हो कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर लिख सकते हो तो ऊपर बन के आएगा हमारे पास में नाइन आर बन के आएगा अच्छा नाइन का क्यूब रहेगा क्योंकि आर क्यूब में से इस आर स्क्वायर अपन नीचे लेकर लिख लिया अब ये जो वैल्यू होती है ये किसको बताती है जी को बताती है है ना जो आर्थ की सरफेस पर जो ग्रेविटेशन एक्सलेशन होता है उसको बताती है जी को तो अब देखो यहाँ से स्क्वायर आया तो ये टू फोर किसम बन जाएगा तो फोर बनेगा टू में ये पावर की ये कैंसिल आउट हो जाएगी और इसकी पावर थ्री बाई टू आ जाएगा और इसकी आर की पावर क्या आ जाएगी हाफ बन के आएगी तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे टू इट इज फाइव एज इट इज़ नाइन की पावर थ्री बाई टू इट मीन्स क्या होगा नाइन और रूट नाइन ये तो होगा ना और साथ में यहाँ पर आर हाफ तो आर हाफ मतलब कि रूट में आर और नीचे भी जी अब जी, जी यहाँ से स्क्वायर नीचे रूट आएगा जी तो यह जी रूट में आ गया इसको सोल्व करना है तो इसको सोल्व करोगे तो थ्री बन जाएगा और यहाँ से अपन इसको सोल्व करेंगे तो कितना बन के आ जाएगा तो ऑप्शन देखो नाइन थ्री जेड ट्वेंटी सेवन इसको सोल्व कर मल्टीप्लाई करोगे नाइन थ्री जेट ट्वेंटी सेवन तो हमारे पास बनेगा ट्वेंटी सेवन इंटू में टू अंडर रूट अपॉन में जी दिस मीन सेकंड ऑप्शन करेक्ट नेक्स्ट ए सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन शुड भी कहाँ से होना चाहिए इक्विटोरियल से नियर द पोलर रीजन ऑन द पोलर एक्सेस ऑल लोकेशन आर इक्वली गुड देखो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो इक्वेटोरियल रीजन होगा ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो जी होता है ना वो जी क्या होता है एक तो कम होता है अगर जी की वैल्यू कम होगी इट मीनस जो सैटेलाइट को लॉन्च कराने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो थोड़ा कम लगाना पड़ेगा क्योंकि अट्रैक्शन कम है सेकेंड थिंग ये भी है कि जो अर्थ होती है वो अर्थ क्या करती है करती है अपने एक्सेस पर तो रिवॉल्व करने की वजह से उसकी जो एंगुलर होती है, उस एंगुलर को क्या करते हैं उसके लॉन्चिंग में उसकी हेल्प लेते है, उसका मतलब एक होता ना कि जैसे मैं कहता हूँ कि कोई कार मैं कहता हूँ कि भाई एक बंदा है जैसे ये है ये कोई बंदा है ये अगर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करे एक तो खड़े खड़े किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करे तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी अब यही बंदा अगर दौड़ते हुए अगर इसको थ्रो करे

सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस तो यह कह रहा है कि कोई टू बॉडीज है. है, है और एक स्मॉल दोनों दोनों म्यूचुअल एट्रैक्शन की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से दोनों एक सेंट्रो मास अराउंड सिस्टम सिस्टम के सेंट्रो मास के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है और उसमें रिवॉल्व इस तरीके से कर रहे हैं कि

इवोल्यूशन कर रहे हैं इस सेंट्रो मास के अबाउट और जबकि ये वाला ये वाला मास ये आर में कर रहा है और ये वाला मास स्मॉल आर में रिवोल्व कर रहा है तो इसकेस में इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको अपन सेंटिमिटल फोर्स के इक्वल कर देते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स कौन सा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा तो ग्रेविटेशन फोर्स का कौन लगा दो तो कैपिटल जी दोनों का मास कैपिटल एम स्मॉल एम दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आर प्लस स्मॉल आर उसका स्क्वायर कर देंगे

इफ द सेटेलाइट इज स्टॉपली इन इट ऑर्बिटिच इज एट डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ फ्राम द अर्थ सर्फेस एंड अलाउड टू फॉल फ्रीली इन टू द अर्थ द स्पीड विथ विच इट हिट्स दिट्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ क्या कह रहा है कि एक कोई सेटेलाइट है किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है इज एट डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ फ्राम द अर्थ सर्फेस मतलब क्या कहा जा रहा है कि भाई हमारे पास में क्या है कि यह अर्थ है इसकी रेडियस आर है इसी रेडियस से आर हाइट पर इसी रेडियस से आर हाइट पर कोई एक सेटेलाइट है वो सेटेलाइट क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है ये सेटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अब ये कह रहा है कि अगर हम क्या करें इसको फ्रीली फॉल करें अगर इसको फ्रीली फॉल करें अर्थ के सरफेस में तो अर्थ के सरफेस पर इसकी रेडियस कितनी होगी ये निकालना तो इसका बिल्कुल उल्टा देखो जितना स्पीड इसको यहाँ से इस ऑर्बिट तक देने में चाहिए होगी उतनी स्पीड ऊपर से नीचे आने लगेंगी जिस स्पीड के साथ ये ऊपर जाएगा उसी स्पीड के साथ नीचे आएगा तो तब आपको ये फाइंड करना है कि यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला फ़ोन लगा दो यहाँ से अगर मैं अर्थ की सरफेस से अगर इस हाइट तक तो पहुँचाना चाहता हूँ तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मला क्या होगा तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉमूला होता है ना वो होता है कि v नॉट इज इक्वल टू अगर हाइट अगर कंसिडरेबल है तो फॉर्मुला क्या होता है कि कैपिटल g कैपिटल g कैपिटल m और अपॉन में आएगा r प्लस एच तो r प्लस एच कितना हो जाएगा ये r है ये r है तो r प्लस आर क्या हो जाएगा टू आर तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू आर लिख देता हूँ ओके okay?

अब देखो रूट जी आर की जो वैल्यू होती है वो होती है लगभग रूट जी आर की जो वैल्यू होती है वो होती है लगभग एट होती है अपॉन में क्या है रूट टू है अब रूट टू को अपन क्या लिख सकते हैं रूट टू को अपन लिख सकते हैं कि अच्छा यहाँ पर टू आर स्क्वायर नीचे आर प्लस एच का स्क्वायर एक मिनट कि वी नोट होता है देखो वी नॉट का फॉर्मूला आता है एम वी स्क्वायर अपना नीचे ही सी तो ऊपर जाएगा एट और नीचे आएगा रूट टू रूट टू मतलब वन पॉइंट फोर अब इसका जब तुम डिवाइड करोगे तो ये लगभग सेवन पॉइंट समथिंग आएगा तो सेवन पॉइंट तो यहाँ पर एक तो देखो वैल्यू किस, किस में आएगी किलोमीटर पर सेकंड में आएगी किस में आएगी किलोमीटर पर सेकंड इसी का ध्यान रखना तो ये नहीं हो सकता है ये नहीं, ये 11 हो, ये नहीं हो सकता है एसके है होता ये भी होगा तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर दो बॉडी के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स है वन अपॉन आर के तो आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दर बॉडीज देन द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ दिस फोर्स इन सर्कुलर ऑर्बिट प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिटल स्पीड निकालने तो ऑर्बिटल स्पीड निकालने का फॉमूला क्या होता है कि भाई अपन क्या करते हैं कि जो सेंटिपिटल जो फोर्स होता है ना उसको अपन इक्वल करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अब सेंटिपिटल फोर्स कितना होगा तो वो सेंटिपिटल फोर्स होगा एम वी स्क्वायर एम वी स्क्वायर अपॉन में आर होगा डिस्टेंस के और ये किसका होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा अब ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इनवर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्स अपॉन आर के अगर देखो ऐसे तो हम क्या लेते थे उसको वन अपॉन आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेते थे लेकिन इस बार आर स्क्वायर नहीं है बल्कि सिर्फ क्या है आर तो इस केस में क्या हो जाएगा ग्रेविटेशन फोर्स का, पॉर्थ का पॉर्थ कुछ ये बन के आएगा आर से आर को कैंसिल आउट करो या एम से एम को कैंसिल आउट करो तो जो स्क्वायर टाउगी रूट आ जाएगा तो ये जो वी है वो आर पे कैसे डिपेंड कर रहा है तो आर वाली टर्म तो आ ही नहीं रही इट मीन इसकी जो वैल्यू आएगी आर की पावर जीरो हो जाएगा तो इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा

कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में क्या जाएगा आर प्लस एच वाट विलोस्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट हाइट है ना तो तो नीचे क्या लिख आएंगे आर प्लस एच लिख के आएंगे अब हमें स्मॉल जी की टम्बर निकालना ना तो ऊपर नीचे ऊपर भी इसको आर से मल्टीप्लाई करो अच्छा नीचे आर प्लस एच है तो अपन नीचे आर प्लस एच इसको इट इज रखेंगे अब स्मॉल जी बनाने के लिए फॉर्मला क्या होता है जी एम अपॉन में आर स्क्वायर होना चाहिए तो ऊपर अगर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो नीचे भी आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो इससे होगा क्या कि ये जो जी एम अपोन में आर ना ये स्मॉल जी बन जाएगा और ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऊपर क्या बन के आएगा रूट में तो जी बन के आएगा ही आएगा जो ये जो आर हो कैंसिल आउट हो गया तो बाहर आर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा आर रूट रूट में आर प्लस एच बचेगा ये हो जाएगा यानी आर बाहर आएगा और आर बाहर आएगा जी और आर पच ये रूट में आएगा तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है

Then its does not upon. तो ऑर्बिटल नहीं, कर नहीं करेगी जब वो बहुत क्लोज है तो ऑर्बिटल फॉर्मला है वी नोट जब बहुत क्लोज होता है तो अंडर रूट जी आर होता है अब यहाँ पर क्या होगा देखो जी किस पर डिपेंड करता, करता है और ये आर किस पर डिपेंड करता है तो ये आर आर तो रेडियस पर डिपेंड करता है तो इसका मतलब क्या हुआ क्या मास ऑफ दाइटेट मतलब मास ऑफ द अर्थ बिल्कुल करता है एंड रेडियस ऑफ द अर्थ बिल्कुल करता है ऑर्बिटल रेडियस तो ऑर्बिटल रेडियस पे भी करेगा ऑर्बिटल रेडियस में वो ये होता है अपॉन में आर प्लस ऐसा कुछ आता है टर्म है ना अपॉन में ऑर्बिटल रेडियस मतलब प्लस लिखते ऐसा तो उस पर भी डिपेंड करता है तो इट मीन ये क्या बन गया जाएगा ऑर्बिटल रेडियस इस पर भी डिपेंड करता है ना तो कौन सा क्रेटर इसमें वेलोसिटी सेटेलाइट नॉट डिपेंड तो मास ऑफ द सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं कर दिया ना इस चीज़ का नेक्स्ट 76 है ने? मिनिमम प्रोजेक्शन बॉडी फ्रॉम द अर्थ सर्फेसोट इट बिकम्स द सेटेलाइट ऑफ द अर्थ मिनिमम कितनी वेलोसिटी देस से जिससे तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर हो गया तो ऑर्बिटल वेलोसिटी मिनिमम क्या होता है जो क्लोजेस्ट होता है अर्थ के सर्फेस के और वो कितना होता है लगभग एट किलोमीटर पर सेकेंड होता है एट किलोमीटर पर सेकेंड सेम गोज राउंड द अर्थ अलोंग ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ पार्थ रेडियस ऑफ आर लेट एम द मा ऑफ द अर्थ एंड आर इज द रेडियस ऑफ रेडियस स्पीड ऑफ दाइटेंड अपन लीनियर स्पीड का मतलब ये हो गया कि जो वी है वो वी किस पर डिपेंड करेगा तो ना वी वही ऑर्बिटल वेलर्स की बात कर रहा है तो स्मॉल एम पर डिपेंड करता है क्या स्मॉल एम पर नहीं करता चीज़ का ध्यान रखना तो ये ऑप्शन कैंसिल ये भी कैंसिल हो जाएगा और इसके अलावा मास ऑफ द अर्थ पर डिपेंड करता है बिल्कुल मास ऑफ द अर्थ और रेडियस तो इस पर भी डिपेंड करता है स्मॉल आप पे भी डिपेंड करेगा ना सर्कुलर पाथ और रेडियस सर्कुलर पाथ रेडियस पर डिपेंड करता है तो इट मीनस फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है नियर द अर्थ सरफेस टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट एक काम करते हैं तो क्वेश्चन हमारे पास में सेवनटी सेवन हो गया ना तो इस लेक्चर में सारी रिकॉर्ड कर पाना थोड़ा मतलब टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा टाइम लग जाएगा तो एक काम करते हैं इस लेक्चर को अपन यहीं पर ओवर करते हैं सेवेंटी सेवन तक हो गया ना कोई बात नहीं जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर अपन कर लेंगे सेवेंटी एट से हम कवर करेंगे जहाँ पर टॉपिक हमारे कवर होंगे एनर्जी ऑफ सेटेलाइट ये मतलब एनर्जी वाला टॉपिक चल ही रहा है तो एनर्जी वाले टॉपिक एनर्जी ऑफ सेटेलाइट हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा और उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे तो मतलब टोटल नाइन्टी वन क्वेश्चन है तो उसको फोर्थ लेक्चर के अंदर अपन कवर करेंगे तो अब तक जो आज जो अपन ने क्वेश्चन जो डिस्कस किया ना वो कहाँ से डिस्कस किए अपन डिस्कस किए फिफ्टी सेवन से तो फिफ्टी सेवन से लेकर अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं अप टू सेवेंटी सेवन इट मेस नियरली ट्वेंटी क्वेश्चन अपन डिस्कस कर दिए ओके okay? जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर ले के अंदर तो रिकॉर्ड करेंगे चलो तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल रही होगी आपके लिए आपको चीज़ें समझ में आई होगी अगर अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और साथ में जुड़े रहें देखो और आप चाहते हो कि आगे की जो नेक्स्ट वीडियो आपको डायरेक्ट मिल जाए तो उसके लिए आप टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन कर सकते हो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करवा रखा है तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर